लेकिन कल तो अच्छी बल्लेबाजी हुई थी चतरा की तरफ से, आज लेकिन टीम कलेप्स कर गई पूरी टीम। 143 पे ऑल आउट हो गई 33 ओवर्स में, जिसमें हाईएस्ट रन रहा 34 उसामा खान कप्तान जो हैं उनके द्वारा 34 रन, और 37 रन अमन कुमार विश्वकर्मा ने बनाए, और बॉलिंग करते हुए 5 विकेट चंदन कुमार ने लिए। सुमित ठाकुर 1 विकेट और अभिनव कुमार 2 विकेट और गुंजन कुमार यादव 1 विकेट, और छोटा स्कोर जैसा था पलामू ने उसको छोटा साबित भी किया, और बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही आसानी से 21.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाकर मैच को 9 विकेट से जीता। विशाल कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 नॉट आउट स्कोर बनाए, और 1 विकेट गिरा संदीप कुमार जो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे पर फुल टॉस बॉल में आउट हो गया LBW 21 रन, और स्पर्श राज 30 नॉट आउट। अभी मैं मेंबर का परिचय करा दूं आप लोग से, आज हमारे बीच JCA ऑब्जर्वर और JCA जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य सुब्रतो घोष जो फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हैं, और विजय हजारे ट्रॉफी में टीम का प्रतिनिधित्व किए थे जिसमें झारखंड पहला बार जीता था और अभी तक आखिरी बार भी है, और आज हमारे बीच हमारे पार्टनर मनोरंजन कांजीलाल स्टेट पैनल अंपायर और स्टेट पैनल स्कोरर सुमित समंता, और हमारे क्लब के सदस्य सुजल पाल और सपन लायक, और हम चाहेंगे सर भी क्रिकेट खेले हुए हैं जैसा कि हमें पता है, पिछले एरिया से भी इंफॉर्मेशन है कि सर भी क्रिकेट खेले हैं, और हम लोग को ECL की तरफ से हमेशा सहायता मिलते रहता है, और ये ग्राउंड है जो सबको खेलने के लिए मिल रहा है, ECL का योगदान और सिविल का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है ग्राउंड को कंस्ट्रक्ट करने में, इसको डेवलप करने में। तो हम चाहेंगे कि सर दो सब बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए बोले। सबसे पहले तो जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग तो खैर रेगुलर खेलते हैं, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आज आपकी टीम जीती कल इनकी टीम जीत सकती है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, अपना 100% देना दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, केवल इसी में नहीं हर चीज़ में जो हम लोग जैसे इन्होंने बताया ग्राउंड, जैसे मैं तो यहाँ मुगमा एरिया में हूँ तो ग्राउंड का डेवलपमेंट का काम हम लोग देखते हैं, तो जो ऑफिस वर्क है या कोई भी है तो लाइफ का किसी भी पार्ट में एक ही एम होना चाहिए, अपना 100% देना। यू कैन फेल वो प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑलवेज फेल दैट इज, बट द मेन थिंग इज दैट यू शुड एम कि हमने आज के दिन में आपने आज मैच खेला तो आपको बस ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया कि नहीं। स्कोप हमेशा रहता है आपके पास में इम्प्रूव करने का, वो कभी नहीं जाएगा, आप चाहे किसी भी स्तर पे खेलेंगे कितना भी इम्प्रूव कर जाएंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट द मेन थिंग इज दैट वेदर यू हैव गिवन योर 100% टुडे और नॉट, ठीक है। तो आपका माइंडसेट हमेशा वो होना चाहिए, आप लोग कोशिश करें क्योंकि स्पेशली हम लोग तो सुनते ही है खेलना तो उतना नहीं है, बट गेम जितना आगे जाता है उतना ये गेम फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। जितना आपके स्किल्स एक टाइम के बाद में एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद में सबके अंदर स्किल्स रहेगी, आज हो सकता है कि कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, बट जब आप एक पर्टिकुलर स्तर पे पहुंच जाएंगे उस समय आप देखेंगे कि कोई स्किल्स में कम ज़्यादा नहीं होता है, मेन कम ज़्यादा होता है साइकोलॉजी में, जो जितना यहाँ से स्ट्रांग रहेगा वो उतना अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर पाएगा। तो अल्टीमेट आपका दो चीज़ मतलब मेरे तरफ से इनपुट अगर कोई है तो पहला तो ये कि आप हमेशा कोशिश करिए अपना 100% देने का, और अपने आप को एनालाइज करिए चीज़ों को, अपने आप को एनालाइज करिए, उससे आप मेंटली स्ट्रांग होंगे और वो एक चीज़ आपका पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बनेगी, और जो कि अल्टीमेट वो जाने अनजाने आपको हेल्प करती है, बहुत सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियसली होती है आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कब वो पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया, बट वो जब आप अभी से उस पर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पर्सनैलिटी डेवलप होगी और वो आपको आगे जाके हेल्प करेगी, क्योंकि अपना एम तो केवल ये खेलना नहीं है, जब आप लोग इस तरीके से खेल रहे हैं तो अपना एम होना चाहिए कि हम प्रोफेशनली खेलें, तो उस चीज़ के लिए केवल एक स्किल डेवलप करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपना 100% दीजिए और अपने आप पे वर्क करिए गेम वाइज भी और साइकोलॉजी, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई जीतने वाली टीम को। थैंक यू सो मच। सर
सर ने जो बात आप लोगों के बीच रखा है वो एक क्रिकेटर जिस तरह से सोच मैंने बड़ा लेवल का सोच वाला बात बोले जो एकदम जरूरी है, सही बात है कि स्किल के साथ एक लेवल पे आप जब जाइएगा तो आपको सबसे बड़ा मेन होगा यहाँ से क्रिकेट होगा, आपका टेम्परामेंट, आपका मेंटली स्ट्रेंथ कितना आपका है अच्छा। और एक सबसे बड़ा बात है कि आप जब गेम खेलते हैं तो जाने अनजाने में बहुत अच्छा चीज़ भी सीखते हैं जो आपके लाइफ में भी काम आती है। तो बहुत ही अच्छा बात बताएं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मार्क करने की बात है। सो लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, ग्राउंड में तो करिए ही करिए। और आप लोग सोशल मीडिया बहुत चलाते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे एक अभी वीडियो बहुत चलता है कि रोज़ अगर आप अपना 1% इम्प्रूव करते हैं तो आपका कितना परसेंट इम्प्रूव होता है, जाके आप 300% आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपके गेम में। तो सोचिए कहाँ से कहाँ, रोज़ 1% मतलब आपको ज़्यादा करना है कुछ भी, 100% तो ग्राउंड में देना ही है। तो वो सब चीज़ें आपको मोटिवेशन में बहुत मिलता है, लेकिन आपको लाइव बहुत अच्छा स्पीच मिला, ये आप लोगों के लिए बहुत आगे का इसको ध्यान में रखिएगा, काम आएगा लाइफ में। और सुबह तो कुछ तो बस आज अब हम लोग मैन ऑफ द मैच का अनाउंस करना चाहते हैं। मैन ऑफ द मैच कौन है? चंदन कुमार 7.4 एक मेडल 26 और 5। सब टाइप का लेते हैं, बड़ा उठा भी लिया हाँ, ले लिए, सब टाइप का आइटम है। एक और क्लिक कर लीजिए जब भूल ही रहे, करेक्ट करवा लेना है, होता है ह्यूमन एरर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉक टीवी 8 और आज का मैच पलामू वर्सेस चतरा के बीच। चतरा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये पहली गेंद और फुल टॉस गेंद और ये शानदार चौका। शॉट अच्छी फील्डिंग, ला ला ला
अब तक चतरा 19 ने 31 रन बनाए हैं, छठवां ओवर चल रहा है। संजीव पंडित 11 रन पे, औसम खान खेल रहे हैं 13 रन पे। और पहला विकेट, अच्छी गेंद, अभिनव कुमार का ये पहला विकेट जिन्होंने चतरा को पहला झटका दिया 31 रन पर। आउट, ये दूसरा विकेट। बोलता नहीं है, खेले लीला आज।
60 शॉट। अमित भैया चित्रा ने 143 10 विकेट पे बनाए हैं, 144 का टारगेट पलामू के लिए। पहली ओवर शॉट है यार, समझ शॉट रे तो बॉल नहीं उठा। अंदर चला गया, रहेगा नहीं रहेगा। अरे शानदार, नहीं वो नहीं कर, मतलब चौका मिलेगा कि लाए थोड़ी देर के बाद हम चल अपने तरफ कहीं नहीं। बात नहीं सुनेगा, गजब मारा।
11 ओवर चल रहे हैं, अब तक 54 रन्स बना चुके हैं पलामू अंडर 19। पहला विकेट 86 रन्स बना चुके हैं एक विकेट पर। एक रन बना चुके हैं पलामू 11 अंडर 19। वाइट और जोर से मारे हैं अब भी 24 रन की आवश्यकता। अच्छी शॉट, अच्छी फील्डिंग। अच्छी शॉट, पहले हो जाता अभी बदल मधुमक्खी आगे मैदान में, सारे लोग सो गए हैं। कमेंट्री भी करते ना। एक बॉल होगी, जीतने के लिए 8 रन मात्र चाहिए। सात रन की आवश्यकता। वाइट हो गई है, चलिए और इसी के साथ पलामू अंडर 19 मैच जीत लिया है। दो रन की आवश्यकता है।